छुट्टी में आने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जैसा हम मेडिसिन बिल्डिंग में अगर आप देखने गए तो कम से कम 300 पेशेंट एक साथ आते हैं और हर पेशेंट को कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है और इतने सब दवाइयाँ इतने सारे पेशेंट्स के लिए हमारे पास हमेशा कम गिरते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा है। तो अभी MIM ने जो सब मेडिसिन हमें डोनेट किए हैं इससे बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी और धन्यवाद उन सबका ये देने के लिए। टीम का शुक्रगुजार हूँ, हमारी मजलिस की जो टीम है, ये सारी दवाइयाँ ये जो आज इंतजाम हुआ है तो ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं के पैसों से उनकी मदद से जमा हुआ है। ये मेरा अकेले का या हमारी टीम का नहीं है, पूरी मजलिस की टीम की वजह से हम लोग ये कर सके हैं। इसके अंदर DNS है, RS है, कुछ दवाइयाँ है, इंसुलेंस है, सिरेंज है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज घाटी के अंदर डोनेट की है। अब घाटी में आने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जैसा हम मेडिसिन बिल्डिंग में अगर आप देखने गए तो कम से कम 300 पेशेंट एक साथ आते हैं और हर पेशेंट को कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है और इतने सब दवाइयाँ इतने सारे पेशेंट्स के लिए हमारे पास हमेशा कम गिरते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा है। तो अभी MIM ने जो सब मेडिसिन हमें डोनेट किए हैं इससे बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी और धन्यवाद उन सबका ये देने के लिए। अच्छा मैडम, ये एक समाज से जुड़ता मसला है, मानवता से जुड़ता मसला है। मैं खुल के पूछ रहा हूँ आपको कि सारे MIM ने दिया है, हमारे पास और भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे विनती करेंगे कि साहब आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो काम हो जाएगा। ये तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर सकती, मैं सब इतना बोल सकती हूँ कि घाटी में आने वाले पेशेंट्स बहुत पुअर रहते हैं, गरीब रहते हैं और इतने सब पेशेंट्स को देने के लिए सब समाज सेवी संस्थाओं ने आगे आना चाहिए और जितना ज़्यादा मेडिसिन्स का डोनेशन घाटी को देने के लिए सबने आगे आना चाहिए। मैडम हम देखते हैं करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं, आपको पता है, आखिर क्या करें जब करोड़ों का इतना बजट पास होता है उसके बाद दवा किल्लत कम करती है, ये आपका नियोजन सही नहीं हो पाता है, क्या मसला क्या है, दिक्कत क्या है? एक्चुअली जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर घर में 10 लोगों के लिए खाना आता है और खाना खाने के आने वाले अगर 100 हो तो कहीं तो उसका प्लानिंग बिगड़ने ही वाला है। तो प्रॉब्लम ये है कि जितने पेशेंट्स अपने पास आते हैं ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि घाटी में आने वाले पेशेंट सिर्फ औरंगाबाद के नहीं है तो औरंगाबाद के आजू बाजू के खेड़ों के हैं और बाकी आजू बाजू के सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं, जैसा हमने कोरोना के टाइम में देखा नगर के पेशेंट्स थे, नासिक के थे, जलगांव के थे, तो खानदेश से भी अपने पास बहुत सारे पेशेंट्स आते थे। तो आने वाले पेशेंट्स और खाने वाले मुँह अगर ज़्यादा रहेंगे तो कहीं पर तो ये तफावत आने ही वाली है। मैंने देखा है आप इसी चैनल के माध्यम से, आपने देखा था आंखों से कि पेशेंट को दवाइयाँ नहीं थी, इंजेक्शन थे, आज आप आए हैं, MIM आए हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि मानवता का बहुत बड़ा काम है, इसके पर आपको दूर दिया।
सबसे पहले तो मैं पूरी मेरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, हमारी मजलिस की जो टीम है, ये सारी दवाइयाँ, ये जो आज इंतज़ाम हुआ है, तो ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं के पैसों से, उनकी मदद से जमा हुआ है। ये मेरा अकेले का या हमारी टीम का नहीं है, पूरी मजलिस की टीम की वजह से हम लोग ये कर सके हैं। इसके अंदर DNS है, RS है, कुछ दवाइयाँ है, इंसुलिन है, सिरिंज है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज घाटी के अंदर डोनेट की है। जैसे कि अभी भट्टाचार्य मैडम ने कहा कि आप 10 लोगों के लिए खाना रहा है और खाने वाले 100 लोग हैं, तो मैडम को मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो हैपकिन की तरफ से आप अगर 10 लोगों के लिए खाना मंगवाते हैं तो आपके लिए आता, आपके पास आता कितना है? एक लोग के लिए खाना आता है, दो लोग के लिए खाना आता है, कभी तो खाना आता ही नहीं है। इसके ऊपर भी आपको थोड़ी जो है तो सोच विचार करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट को भी जो है तो ये बात कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं स्टेज के ऊपर, एवं असेंबली के अंदर, हर जगह पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी मेरा ये जो तो निवेदन है, उनसे मेरी अपील है कि घाटी के ऊपर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। घाटी के अंदर आज जो हालात है कि मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर दोषी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का काम मेडिसिन लेकर आना नहीं है, डॉक्टर का काम है कि आप गवर्नमेंट को एक जो है तो लेटर डाल दीजिए कि हमको ये दवाई की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट का ये काम होता है कि उस हॉस्पिटल को जो है तो वो दवाइयाँ प्रोवाइड करें। मगर क्योंकि गवर्नमेंट दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करती, इसीलिए डॉक्टर्स यहाँ पर परेशान हैं। जबकि हमारे घाटी हॉस्पिटल के अंदर बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, या हमारे RMOs हो, या हमारे जो तो वर्किंग के JRs हो, ये सारे बड़ी मेहनत करके बड़ा अच्छा काम करते हैं। गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि इनकी मदद करें। ख़ासतौर पर कलेक्टर साहब को मैं ये कहूँगा कि आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको जो है तो मदद करें। आज मजलिस की तरफ से, पूरे मजलिस के कार्यकर्ताओं की तरफ से हम लोगों ने ये डोनेट यहाँ पर किया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर 1 जून से लेकर 5 जून तक दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जो तो हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। उस कैंप का नाम है आयुष्मान भारत की एक स्कीम चलती है, उस स्कीम के तहत हर पेशेंट को उसके घर वालों को 5 लाख के तहत जो है तो एक कार्ड बनवा कर दिया जाता है। तो मजलिस इस कार्ड का जो है तो कैंप दारुस्सलाम के ऊपर आने वाले दिन के अंदर रखने जा रही है, तो वो कैंप 5 दिन का होगा। तो मैं तमाम शहरियान से अपील करूँगा कि आइए दारुस्सलाम के ऊपर, तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में इंशाल्लाह आयुष्मान भारत का आपका जो कार्ड है, मेडिकल का, फैसिलिटीज़ का, वो कार्ड आपको मुफ्त में बनाकर इंशाल्लाह हम लोग देंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।